बल्लभगढ़ में प्रॉपर्टी हथियाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने वाली आरोपी बहू को क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 6 दिन पहले बल्लभगढ़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई थी, जहां आरोपी बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूत्रों की सूचना पर बदरपुर बॉर्डर एरिया से आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर भी ले लिया। 20 जनवरी की रात को एक युवक की हत्या कर दी जाती है फ्रेंड्स कॉलोनी में, पुलिस ने गुत्थी सुलझाती है, क्या है पूरा मामला? ये मृतक भरत सिंह है, जिसकी प्रॉपर्टी पर इसकी पुत्र वधू की निगाह थी और जो पुत्र वधू गीता है, इसने अपने एक प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और जो पुत्र वधू का जो पति विनोद है, ये मरने वाला उनका सौतेला बाप था। और भरत सिंह का जो अपना सगा बेटा है सूरज, उसकी पिछले साल ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उनकी जो जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अपने मायके चली गई थी। तभी से जो विनोद की पत्नी जो गीता है, उसकी इसकी प्रॉपर्टी हथियाने की उसमें फिराक में थी और इसीलिए उसने अपने जो दोस्त है जो जेल में था, उसकी जमानत भी करवाई थी पहले और अभी जमानत पर बाहर था, उसी से 4000 रुपये देकर पिस्टल मंगवाई और घटना की रात उसने उसको नींद की गोलियां भी ला के दी, जो इसने अपने ससुर जो भरत सिंह और अपनी सास को भी नींद की गोलियां दे दी थी। और रात को इसको युवक को बुलाया अंदर और उसने आके गोली मारी और दोनों मौके से फरार हो गए थे। तो क्यों मारा है तक पूछताछ में क्या पता लगा है? और ये प्रॉपर्टी का था सारा कि भाई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, आपका जो एक बेटा है वो तो मर गया और वो घर से निकल गई है, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, तो ये दबाव बना रहे थे और वो प्रॉपर्टी नाम कर नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने इसको घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए थे। बदरपुर एरिया में ये रह रहे थे पुलिस को चकमा देने की नीयत से, लेकिन पुलिस ने वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया। आरोपित महिला है जो इनकी पुत्रवधू गीता, और उसको एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। जो इसका जो साथी आरोपी है जिसने गोली मारी थी सैंडी, ये अभी फरार है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने सालों से दोस्ती बताई जा रही है इनकी? पिछले 6-7 साल से इसकी दोस्ती रही है इस महिला की इस आरोपी युवक से, जो क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है, गुड़गांव का रहने वाला है। इसी के चलते इसने अपना जमीन हथियाने के नाम पे और अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पुत्र ससुर की हत्या करवा। दरअसल मृतक भारत सिंह का बेटा पिछले साल ट्रेन दुर्घटना में जान गंवा बैठा था, ऐसे में उसकी पत्नी ने प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में अपने ससुर भरत सिंह की हत्या करवा डाली। पुलिस की माने तो आरोपी बहू गीता ने कट्टा खरीदने के लिए अपने प्रेमी को 4000 रुपए दिए थे, जिसके बाद प्रेमी ने 2 कारतूस और नींद की गोलियां लाकर गीता को दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बहू और उसका प्रेमी फरार हो गए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी प्रेमी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बल्लभगढ़ से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।